हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आप सभी को बताना चाहूँगा यूपी आर्मी जेई 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है ऑफिशियल आंसर की के बाद। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी का पेपर हुआ था 14 मई को और इसका आंसर की ऑफिशियल आंसर की आउट हुआ है 18 मई को, मतलब कि आज। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपना आंसर की चेक कर चुके होंगे और अपना नंबर भी मैच कर चुके होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जैक्ट नंबर जानने के बाद, उसके साथ साथ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम रिव्यू के एनालिसिस हिसाब से कितना नंबर जा रहा है लड़कों का, जो भी लड़के वहाँ पार्टिसिपेट किए हैं उनका स्कोर देखने के बाद आप सभी का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना चाहेंगे। और बात बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपने अपना आंसर की भी चेक नहीं किया है तो हमारी पिछले वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे आप सभी को अपना आंसर की चेक करना है और आप सभी को कैसे अपना रैंक चेक करना है। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, उसमें दो लिंक रहेगा। पहला लिंक जो रहेगा आंसर की चेक करने का रहेगा, और जो दूसरा लिंक रहेगा वो रैंक चेक करने का रहेगा। तो रैंक कैसे चेक किया जाएगा वो हम उस वीडियो में डिटेल्स में बताएं, तो आप उस वीडियो को देख करके अपना रैंक चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को हम थोड़ा पहले ऑल एग्जाम रिव्यू का एक एनालिसिस दिखाएंगे, उसके बाद आप सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा इस बार वो बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑल एग्जाम रैंक में क्या हो रहा है कि जो भी लड़के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं लड़कों के बीच में एनालिसिस करके बता रहा है और वहाँ पे नॉमिनेशन नंबर भी शो कर दे रहा है, ठीक है। तो बताना चाहूँगा, जो देखिए, जो हाईएस्ट नंबर गया है ब्रांच टॉपर स्कोर, जो हाईएस्ट नंबर गया है 159.25 नंबर गया है आप सभी का हाईएस्ट। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप सभी का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, उसको वैकेंसी नंबर वैकेंसी को भी देखते हुए आप मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ गेस करेंगे। कैटेगरी टॉपर स्कोर देख सकते हैं 159.25, शिफ्ट टॉपर स्कोर, ये फर्स्ट शिफ्ट का रिजल्ट है, तो 150.5, ये फर्स्ट शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी ओवरऑल ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 159.25 नंबर गया है ओवरऑल, मतलब सुबह और शाम दोनों पेपर मिला करके। तो अगर एवरेज नंबर देखा जाए, ब्रांच एवरेज स्कोर मतलब टोटल मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर के, मतलब एवरेज स्टूडेंट मतलब जितना नंबर आया है और सभी स्टूडेंट का भाग दे करके, तो 112.11 नंबर आ रहा है। और उसके बाद कैटेगरी एवरेज स्कोर देखा जाए तो 113 पॉइंट, चलिए कैटेगरी तो मायने नहीं रखेगा, मतलब किसी एग्जैक्ट स्टूडेंट का कैटेगरी, मतलब किसी ओबीसी के लिए है, जनरल के लिए, वो जो स्टूडेंट कैटेगरी होगा उसके लिए, फिलहाल ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये सब बातें जो ऊपर की थी, कैटेगरी टॉपर ये सब ब्रांच वाइज, ये सभी के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। तो चलिए, अब हम बताने वाले हैं सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना बन सकता है इस बार, आप सभी के नंबर ऑफ वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए प्लस ऑल एग्जाम रैंक के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, ये जो हम बताने वाले हैं आप सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क, ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, जनरल का जो जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क वो जाएगा 146 लेकर के 152 के बीच में रहेगा। ओबीसी का रहेगा 143 लेकर के 148 के बीच में। इसी सेक्वेंस में बात कर लेते हैं एसटी का, तो एसटी का जो कट ऑफ जाएगा इस बार 138 लेकर के 143, और एससी का जाएगा 133 लेकर के 138 के बीच में। तो ये आप सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। और चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देख करके आप सभी को एक अनुमान लग चुका होगा कि आप सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना बनने वाला है इस बार। और लास्ट में ये कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए थे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे, आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आप जेके प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को टेक्निकल से रिलेटेड हर प्रकार के वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले इसी प्रकार मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए रिक्रूटमेंट अपडेट नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।